प्रेवलेंस एंड कोमोबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर तो यहाँ पर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि इसका प्रेवलेंस रेट जो है वो किस में ज़्यादा होता है इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर जो है ये आमतौर पे हाई स्कूल में या जो उससे कम एजुकेशन जिनकी होती है स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ग्रेड से जो है उसके अंदर प्रेवलेंस ज़्यादा देखी जाती है लेकिन जो इंटरमीडियट एक्सप्लोसिव डिसडर होता है वो ऐसा डिसऑर्डर नहीं है जो कि हम ये कहें कि वो ख़त्म हो जाता है एट द एज ऑफ सम टाइम येस अगर बच्चे की थेरेपी हो रही है ट्रीटमेंट हो रहा है इट कैन बी मैनेजेबल लेकिन सम टाइम अगर ये अनट्रीटेड रहे तो ये प्रिवेल करता है और इसकी जो प्रावलेंस है वो थर्टी फाइव टू फोर्टी ईयर्स में भी और उनसे यंगर में भी ठीक है वो उसमें भी देखी गई है ठीक और जबकि जो ओल्डर एज है यानी लाइक फिफ्टी ईयर्स उनके अंदर कंपेरेटिवली ये प्रॉब्लम कम होता है बट आफ्टर फोर्टी ईयर्स तक जो है ये प्रॉब्लम जो है ये देखा गया है तो इसकी प्रॉब्लम्स जो है वो मौजूद होती है सेम मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा रिपोर्ट किया है और मैं अभी भी इस चीज़ को दोबारा इन्फॉर्म आप लोगों को करूँगी कि इन रेफरेंस टू पाकिस्तान हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम रेट जो है का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि मैं स्पेसिफिकली आपके साथ शेयर कर सकूं कि इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर जो है वो पाकिस्तान में इस लेवल के ऊपर प्रिवेल कर रहा है तो दीज स्टैटिस्टिक्स आर मेनली बेस्ड फ्रॉम द यू जो कि डी एस के अंदर रिपोर्टेड है देन हम बात करते हैं कोमोबिडिटी कोमोबिडिटी जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि कोमोबिडिटी क्या होता है एक डिसऑर्डर जो है उसके साथ दूसरा डिसऑर्डर कौन सा हो सकता है को अकरेंस ऑफ एन अदर डिसऑर्डर कौन सी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर जो है डी एस एम फाइव हमें बताता है कि ऐसे लोग जिन्हें डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जिन्हें एनजाइटी डिसऑर्डर हो जिन्हें सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो उनके अंदर बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर डेवलप हो इट कैन बी अन अदर वे यानी इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसडर है और उसके साथ डिप्रेसिव डिसऑर्डर है एन्जाइटी डिसऑर्डर है सब्सटेंस ज्यूज डिसऑर्डर है यानी पेरेंट्स लेकर आए हैं एग्रेसिव प्रॉब्लम के लिए लेकिन जब उसको फर्दर असेसमेंट की गई तो पता चला कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, है या सब्सटेंस ज्यूज डिसऑर्डर है और इट कैन बी अन अदर वे कि डिप्रेसिव डिसडर है एक शख्स को एनजाइटी डिसऑर्डर है सब्सटेंस जूज डिसऑर्डर है और ये पता चलता है कि उसको इम्पल्स कंट्रोल एग्रेशन का भी प्रॉब्लम है जिसको कि हम क्लासिफाई करेंगे इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर इसी तरह वो इंडिविजुअल जिन्हें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो वी आर टॉकिंग अबाउट इन रेफरेंस टू एडल्ट ठीक है क्योंकि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शुड बी डायग्नोज आफ्टर द ईयर ऑफ एटीन तो इनके अंदर भी आमतौर पर कोमोबिडिटी में देखा गया है कि इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है वो दिया जाता है इसी तरह ऐसे बच्चे जिनके अंदर हिस्ट्री हो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर की डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हम किसे कहेंगे ए डी एच डी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कंडक्ट डिसऑर्डर ऑपोजिशन डेफिट डिसऑर्डर जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है कि किसी भी बच्चे को इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसडर होगा लेकिन इसमें जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स हैं उसमें आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जो एंगर है वो कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर भी होता है वो अपोजिशनल डेफिट डिसऑर्डर में भी होता है लेकिन अगर वो सिचुएशनली इनप्रोप्रिएट हो जाए और इतना मार्क्ड हो जाए कि पेरेंट्स आपको सेपरेटली या पे टीचर्स आपको सेपरेटली रिपोर्ट करें और आपको ये आइडिया हो कि बच्चा इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहा है या उसके ऊपर जो आप असेसमेंट टूल यूज करें उसके ऊपर आपको ये क्लियर कट एग्जिबिशन आए कि ये स्टेट जो एग्रेशन है उसका वो बहुत ज़्यादा है या बेस लाइन चार्ट जो आप उसका लें उससे आपको पता चले कि ये बहुत जल्दी सिचुएशन से प्रोवोक हो जाता है ओनली देन हम उसको कोमोबिडिटी में लाएंगे अदरवाइज एंगर जो है वो उन्ही डिसऑर्डर का एक फीचर रहेगा ठीक है तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर हैड थैंक यू